ये रोजेदारों, इनको रोजा लगा हुआ है, पखा चलाया हुआ है। इसका लफ्ज़ी माना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमे का मकसद अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और मखलूक से अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ ना होने का यकीन। हेलो, अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है, खैरियत से सब भाइयों, मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और जैसा कि जानते हैं रमज़ान का तीसरा दिन है और आज हम हमारा जो है ना जो आज वार है ना वो बुध है, क्योंकि बुध को जो है ना क्या बोलते हैं हमारी मस्जिद का गश्त होता है। बुज़ुर्गों ने तरतीब चेंज की क्योंकि रमज़ान तरतीब जो होती है वो चेंज करते हैं, क्योंकि मगरिब को तो आपको पता तो है हर कोई रोज़े में होता है और रोज़े के साथ जो है ना हर कोई रोज़ा छोड़ने के मूड में होता है। असर की अज़ान के बाद और नमाज के बाद बयान होगा, उसके बाद हम जो है ना कुछ बंदों के नाम लिखेंगे कि कौन कौन भी जा रहे थे इन जीने के लिए जमात के साथ, तो मैं भी जा रहा था नमाज के लिए। तो इससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। मेरी एक आँख बंद हो जाती है जब मैं कहता हूँ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, आप जब सब्सक्राइब करते मेरी आँख खुल जाती है, ठीक है। अभी चलते थोड़ा सा पूछ लेते हैं हमारी जॉक में से किन किनों ने रोज़े रखे हैं। हाँ अभी तुम बताओ, तुमने आज रोज़ा रखा है, बोलो। सोचा रोजे रखने के लिए सोचना पड़ता है, आगे जाके बताओ भाई। इससे पूछते हैं, इसने रोजा पूछो सही, आपने रोजा रखा है कि नहीं? तीसरा दिन है आपने रोजा नहीं रखा है, दूसरा दिन है रोजे का। क्यों नहीं रखा? तीसरा दिन है, दूसरा दिन है। सॉरी सॉरी यार, नहीं पता था, तुमने कल वीडियो अपलोड करनी है फिर कल तीसरा दिन होगा। हाँ ठीक हो गया, तो आज क्यों नहीं रखा रोजा? भाई रखना चाहिए था ना, आज इतना घुटाना मजा आ गया। तो कह दे क्या कह शैतान, शैतान तो कह दो शैतान बड़ा सीमा है। ये रोजेदारो, इनको रोजा लगा हुआ है, पखा चलाया हुआ है। हाँ भी मौलान साहब रोजा रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह रोजा है, माशाल्लाह। हाँ भाई इधर रोज़ा रखा है कि नहीं रखा? रोज़ा रखा है कि नहीं रखा, बस ये बता, रखा है यार? मैं रखा लगा रोज़ा। कूड क्यों मारे करे जवाब, झूठ झूठ क्यों बोला? सार के रोज़ा रखे थे पर बात यार कर रहा है किधर मेरी कितनी चार बच्ची बस ठीक। कौन है कोई बात की गलती नहीं खड़ी है डरा दी तैयार। हाँ और सुनाओ कोई नई ताज़ी यार, मैं तो बगैर चार साल तो जिन्हें बना दे जो दिन की बुनियाद पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे के नहीं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमे का मकसद अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और मखलूक से अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ ना होने का यकीन होना दिल होता है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पुराने तरीकों पर चलकर दोनों जहानों की कामयाबी का यकीन और गैरों के तरीकों पर चलकर दोनों जहानों की नाकामी का यकीन। मेरे भाइयों कलमे के दो जो पहला ला इलाहा इल्लल्लाह के यकीनों की तब्दीली और मोहम्मद रसूलुल्लाह तरीकों की तब्दीली। ला इलाहा इल्लल्लाह के हमारे यकीन बन जाए कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। हमारा यकीन बन जाए कि अल्लाह हमारे खालिक है, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह हमारे मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं, अल्लाह हमारे राज़िक है, अल्लाह के सिवा कोई रिस्क देने वाला नहीं, अल्लाह हमारे हफीज़ हैं, अल्लाह के सिवा कोई हिफाजत करने वाला नहीं। मेरे भाइयों हमारा यकीन बन जाए, इस तरह मेरे भाइयों सात ज़मीन सात आसमान अल्लाह ताला ने बनाए, अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, सूरज को बनाया, चाँद को बनाया, सितारों को बनाया, सियारों को बनाया, समंदरों को बनाया, पहाड़ों को बनाया, जंगलों को बनाया, दरियाओं को बनाया, अपनी कुदरत से बनाया, और बनाने में किसी बादशाह किसी मुजीद मुशीर से मशवरा नहीं दिया, अपनी कुदरत से बनाया। मेरे भाइयों हमारा यकीन बन जाए कि करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, अल्लाह करते हैं अपनी कुदरत से करते हैं और करने में किसी मखलूक के मुताबिक नहीं, मखलूक अल्लाह ताला के मुताबिक। मेरे भाइयों इज्जत दिलत भी अल्लाह के हाथ में, कामयाबी नाकामी भी अल्लाह के हाथ में, नफा नुकसान भी अल्लाह के हाथ में, सेहत बीमारी भी अल्लाह के हाथ में, जिंदगी मौत भी अल्लाह के हाथ में, खुशी गमी भी अल्लाह के हाथ में, बेटियाँ बेटे भी अल्लाह के हाथ में। हमारा यकीन बन जाए कि करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, अल्लाह करते हैं अपनी कुदरत से करते हैं और करने में किसी मखलूक के मुताबिक। ये यकीन हमारे दिलों में आ जाए, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह तरीकों के लिए कि हमारा हर तरीका और अपना बैठना खाना पीना सोना जागना शादी खुशी गमी बैतुल्लाह का हमारा हर एक अमल
भाइयों, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे तो इससे हमें भी कामयाब हो जाएंगे और अपने जन्म में भी कामयाब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, उस कलमे का इकरार करना देना भी कुंजी है, और जो शख्स इस कलमे को 100 बार सुनना पड़ता है कल क़यामत के दिन ऐसे उठेगा कि उसका चेहरा पूरी रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। मेरे भाइयों, जो शख्स इखलास से भी कलमा पढ़ता है उसके नाम में हमारा बुराइयों को अगर कोई 100 साल का काफिर भी एक दफा कलमा पढ़ ले अगर जिंदा रहा तो कलमे वाली जिंदगी गुजारे और मर गया तो सीधा जन्नत मिल जाएगा। मेरे भाइयों, कलमे की फजीलतें तो बहुत हैं। मेरे भाइयों, अगर एक फजीलत तो ये है 7 ज़मीन 7 आसमान एक पल्ले में रख दिया जाए और कलमा एक पल्ले में रख दिया जाए और कलमे वाला कलमा भारी हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये कलमे वाला यकीन इंसान के दिल के अंदर बिठाने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला चलाया। 124,000 पैगंबर आए जिसने वक्त के नबी की बात को माना और कामयाब हो गया, जिसने ना माना वो रुका। इसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। दीन है और दीन वाली मेहनत है। ये दीन हमारी जरूरत भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। इस दीन के लिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में निकल कर इस दीन को सीखा जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में निकल कर जिसम के किसी भी हिस्से पर गर्द गुबार लग जाए जहन्नम की आग को आग धुआं भी हराम हो जाता है। अल्लाह के रास्ते में सिर्फ 5 मिनट ऐसा है कि खाना काबा के सामने तवाफ करने से अफजल है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में एक दिन या एक रात को लगाना दुनिया से बेहतर है। अल्लाह के रास्ते में सिर्फ 1 रुपया खर्च करना 7 लाख सदका करने के बराबर हो गया। मेरे भाइयों, आप सारे भाई इरादा लिखवाएं, इरादे में भी बरकत है। कोशिश करें मेरे भाई खड़े होकर इरादा लिखाएं। अल्लाह सबको जानने वाला है, सबको करने वाला है। अल्लाह पाक ने इंसान बनाया, इंसान को अल्लाह पाक ने मुसलमान के घर पैदा किया, काफिर के घर च पैदा करेंदा था